माई होम इंडिया का काम कैसे बढ़ाना चाहिए, माई होम इंडिया की स्थापना आपको बताने से मुझे बहुत बताकर आनंद हो रहा है। अगले महीने के 9 तारीख को माई होम इंडिया अपने 11 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। लेकिन 2005 में जब माई होम इंडिया की स्थापना की दिसंबर में, और जनवरी फरवरी के पास मैं दिल्ली पहुंचा कि माई होम इंडिया का दिल्ली में भी काम शुरू करना है, तो कहीं कहीं से लोगों का परिचय निकालकर मैंने केजी सुरेश जी का परिचय निकाला, और हम सब लोग जहां बैठे हुए हैं इसके बिल्कुल नीचे एक रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट में दिल्ली में माई होम इंडिया का काम कैसे किया जाए इस विषय पर केजी सुरेश जी और मैं पकोड़े और कॉफी खाते और पीते प्यार से हम लोगों ने योजना बनाई थी। ऐसे स्थापना से जुड़े हुए जो राष्ट्रीय सचिव है माई होम इंडिया के जी सुरेश जी, माई होम इंडिया का काम नॉर्थ ईस्ट के लोगों में करना है, पूर्वोत्तर के लोगों को जाकर मिलना, उनसे दोस्ती करना, उनको बताना आप चिंता मत करो, ये देश आपका देश है, जहां भी आप है हम सब आपके हैं, और जहां पर वो है वहां के लोगों को बताना देखो इनके पास ये कोई विदेशी नागरिक नहीं है, ये जितने हम हिंदुस्तानी है उससे अधिक ज्यादा ये हिंदुस्तानी इसलिए है कि वो ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर 12 महीने 24 घंटा दुश्मन का खतरा मंडराते रहता है। वहां पर रहकर अपने आप को हिंदुस्तानी अभिमान से बोलने वाला अरुणाचल का बंधु, नागालैंड का बंधु जब दिल्ली में आता है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो तो उनके पास शुरू शुरू में पहुंचे कैसे। तो मैं घूमा करता था 10 साल पहले सारे, तब तो मैं भाजपा में था नहीं, भाजपा में तो अभी 6 साल हो गए आया, पहले से मैं माई होम इंडिया का काम यहां दिल्ली में कर रहा हूं। तो मैं जाया करता था सारे रेसिडेंट कमिश्नर से मिलने के लिए, नागालैंड भवन, मिजोरम भवन, और वहां से कोई सुराग लेकर कुछ लोगों से मिलना। तो उस समय भल्ला जी, डॉक्टर डी के भल्ला जी नागालैंड कैडर के आईएएस ऑफिसर है, वर्तमान में लोकसभा सचिव है, उनसे मैं मिलने गया और उनको जब मैंने माई होम इंडिया की कंसेप्ट बताई, उस क्षण से जो माई होम इंडिया के साथ वो जुड़ गए आज आपके साथ मंच पर बैठे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट का अभ्यास, इतना अभ्यास भल्ला जी का, आज तक 3 पुस्तकें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर लिखा है, नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसके ऊपर हाल ही में उनकी किताब का जो प्रकाशन है जनरल वीके सिंह साहब ने किया था, नागालैंड के टूरिज्म के ऊपर बेहतरीन किताब भल्ला जी ने लिखी है, वैसे ही पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म के ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी है। भाई और बहनों, ऐसे सारे जो दिग्गज आपके सामने मंच पर बैठे हैं, मैं सबसे पहले इन सबको प्रणाम करता हूँ।